हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोगों ने जो चैप्टर फर्स्ट है उसको स्टार्ट कर रखा है बायोलॉजी के अंदर। चैप्टर जो फर्स्ट है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक किससे रिलेटेड है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्या है टॉपिक? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन द प्लांट्स वी कैन नॉट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो द टर्म यूज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। सो नाउ टू द टॉपिक इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, द वेजिटेटिव parts of plant involving the reproduction known as the vegetative reproduction. So vegetative parts are root, stem, leaves, also known as the vegetative part of plant. Root, stem, leaves, also known as the vegetative part of plant. A plant contain the two type of part. One is the vegetative part, and the second is the reproductive part. Reproductive part is also known as the flower. And the vegetative part are the root, leaves, stem, etc. The reproduction by the root, stem, leaves or vegetative part is known as the vegetative reproduction, or the reproductive part is flower. The flower involving reproduction is the sexual reproductions. तो फर्स्ट ऑफ हमें तो किसकी बात करनी है अभी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ही बात करनी है। तो आपको ध्यान में रखना होगा रूट, स्टेम, लीव्स प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट, सॉरी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट अगर से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कौन सा हो गया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अब मेरी बात सुनिए, द पार्ट ऑफ प्लांट रूट, स्टेम, लीव्स, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नोन एज द प्रोपिग्यूल। उस पार्ट को आप क्या बोलोगे? प्रोपिग्यूल बोलोगे। अब एग्जाम में पूछ लिया जाएगा वॉट मीन्स ऑफ द प्रोपिग्यूल, तो रूट, स्टेम, लीव्स या द वेजिटेटिव पार्ट विच इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसे को आप क्या बोलते हैं? प्रोपिग्यूल्स बोलते हैं। तो प्रोपिग्यूल्स यहाँ कौन कौन हो गया? रूट भी प्रोपिग्यूल्स है, स्टेम भी प्रोपिग्यूल्स है, और लीव्स भी क्या है? प्रोपिग्यूल्स है। मेरी बात समझ में आ गई? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, और जो पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको प्रोपिग्यूल्स बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए आपके ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में कुछ एग्जाम्पल नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये रूट, स्टेम, लीव्स से होता है। तो कुछ स्टेम के एग्जाम्पल है, कुछ लीव्स के एग्जाम्पल है, और कुछ रूट के एग्जाम्पल है। केवल नेम और एग्जाम्पल, बस इतनी ही डिटेल नहीं है आपके ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में। तो मैं भी केवल आपको समझाने को समझा दूंगी, है ना, टाइप्स का नाम लिख दूंगी, उसको समझा दूंगी, बट नोट्स जब मैं आपको सेंड करूंगी तो उसमें टाइप्स और एग्जाम्पल बस इतना ही लिख के भेजूं, क्योंकि आपकी है ही नहीं ट्वेल्थ क्लास में, तो फिर ज़्यादा हमें करना भी नहीं है। क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो एक्सप्लेनेशन कहाँ था? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये 11th क्लास में था, और अनफॉर्चुनेटली 11th क्लास में टॉपिक हट भी गया था तो हम लोगों ने नहीं देखा था। इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल करवाती हूँ, क्योंकि किया हुआ नहीं है इसीलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, ठीक है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम,
अब स्टेम से हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। तो जो स्टेम जो होता है ये कई बार क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड फॉर्म में है। कई बार किस फॉर्म में आ जाता है, अंडरग्राउंड फॉर्म में है। तो जब अंडरग्राउंड स्टेम है तो अंडरग्राउंड हो गया, एरियल हो गया और सब एरियल हो गया। यानी स्टेम की अपन 3 मॉडिफिकेशन करते हैं, अंडरग्राउंड सोयल में चला गया, एरियल एयर में प्रेजेंट होता है आपको पता है, और एक होता सब एरियल यानी कि मर्ज हो जाता है, या फिर इसका आधा पार्ट एयर में रहेगा आधा पार्ट अंडरग्राउंड में रहेगा। तो आपको तो केवल जो एग्जांपल है वो ही देखने हैं। तो देखिए स्टेम में सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रही हूँ रनर, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है ये रनर। अब है तो स्टेम ही, मेरी बात सुनिए, है तो स्टेम ही, लेकिन ये स्टेम क्या करता है, ये मान लीजिए ये सरफेस है, तो इस सरफेस को ऐसे टच करते हुए ग्रो करेगा। सरफेस के ऐसे टच करते हुए क्या करता है, ये ग्रो करता है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, रनर हो जाता है। यानी कि द स्टेम पार्ट अटैच विद द सरफेस एंड ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शंस। यानी प्रोस्टेट, आप क्या कह सकते हो, प्रोस्टेट लेटा हुआ रहता है जमीन पे। हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर ब्रायोफाइटा मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था, ब्रायोफाइटा की जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो हमेशा जमीन पे लेटी रहती है, इसको प्रोस्टेट बोलते हैं अपन, है ना, लेटी हुई है। तो इसमें भी यही होता है, ये ब्रायोफाइटा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक्चुअल इसके अंदर मैं बात कर रही हूँ गार्डन ग्रास, है ना, दूब जो होती है ना, गार्डन ग्रास को आपने देखा होगा, उसका जैसे ये जमीन है ना, सरफेस है, सोयल से ऐसे एक पतला सा स्टेम निकलेगा, ऐसे ऐसे लीव्स बन जाएगी, है ना, फिर आगे ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, आपने देखा होगा ऑब्वियसली। गार्डन ग्रास कैसे ग्रो करती है, धीरे धीरे करके ये पूरी जो सरफेस है उसको ये गार्डन ग्रास क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो आपको तो केवल इतना ध्यान में रखना होगा कि रनर का एग्जांपल आप क्या दोगे, गार्डन ग्रास दोगे, दूब साइटोडोम, ठीक है, गार्डन ग्रास इसका एग्जांपल दोगे। तो रनर क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जब स्टेम है वो प्रोस्टेट फॉर्म में ग्रो करके एक नए, अब यहाँ से देखिए बाय द वे मान लीजिए यहाँ जैसे नोड बनी हुई, ये नोड है ना, फिर ऐसे ऐसे नोड ऐसे चलती जाती है। अगर आप लोग इस नोड से यहाँ से इसको कट कर लोगे और सोयल के अंदर क्या करवा दो, ग्रो करवा दो, है ना, तो उस जहाँ आपने ग्रो कराया वहाँ पर भी कंप्लीट पार्ट में क्या हो जाएगी, गार्डन ग्रास है, वो उस पार्ट को अच्छे से कवर कर लेगी। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो दूब होती है उसको थोड़ा सा उखाड़ कर लो और दूसरे गार्डन में ले जा दो, रख दो, पानी देते रहो, है ना, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन देते रहो, तो उस जो नया गार्डन हमने बनाया उसमें भी क्या हो जाएगी, दूब ही दूब हो जाएगी। ये एग्जाम्पल आप मोस्टली देखते हो, तो आपको इतनी डिटेल नहीं ध्यान में रखनी, आपको तो इतना देखना है कि जो रनर है उसका एग्जाम्पल क्या है, गार्डन ग्रास उसका क्या है, एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में अगला देखो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन, स्टेम लिखिए ना, स्टेम की एग्जाम्पल है। अगला है राइजोम, क्या है, राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम, ये तो था एरियल आ गया था ना, बाहर की तरफ आ गया, ये क्या है, अंडरग्राउंड है, सॉइल के अंदर, है ना। आपने देखो जिंजर, टर्मेरिक, ये किसके एग्जांपल है, राइजोम। तो आपको केवल एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो थोड़ा थिक हो जाता है, फ्लेसी हो जाता है, और इस टाइप से उसकी ऐसे ऐसे गाठे सी ऐसी ऐसी फॉर्म बन जाती है इस टाइप की, ना, देखी होगी आपने, अदरक भी देखी है और आपने टर्मेरिक भी देखी होगी। तो यानी राइजोम का मतलब क्या होता है, फ्लेसी अंडरग्राउंड स्टेम, फ्लेसी अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर का जूस निकालते हैं ना, कूटते हैं, ठीक है, टर्मेरिक जो टर्मेरिक होती है उसकी सेप आपने देखी होती, सूखी हुई भी देखी आपने, जो हरी होती ऐसे 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 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती। तो है क्या ये स्टेम ही है, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो जब अंडरग्राउंड स्टेम फ्लेसी टाइप का हो जाता है, थिक हो जाता है,
तब उस वर्ड के लिए अपन क्या यूज करते हैं, राइजोम ट्रम यूज करते हैं, और इसके एग्जांपल आप क्या दोगे, जिंजर और टर्मेरिक दोगे। चलिए अगला एग्जांपल, बस एक नाम और एग्जांपल ध्यान में रखने हैं आपको। फिर उसके बाद में अगला जो एग्जांपल है क्या हो गया, देखो एक तो हो गया रनर, राइजोम, अगला स्टेम का एग्जांपल है सकर, है ना, इसका एग्जांपल है मिंट पुदीना। आपने देखा होगा इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे मैन स्टेम है, ये मैन स्टेम ऐसे अंडरग्राउंड गया और फिर ऐसे बाहर आ गया, इसके यहाँ पे ऐसे लीव्स लग गए पुदीना, ठीक है। यहां से ये वाला ये फिर हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा और ऐसे अपवर्ड ऊपर आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से आप चाहो तो इस पार्ट को कट करके अदर प्लेस पे ट्रांसप्लांट कर दो और वहां पे नया प्लांट ग्रो होने लगेगा, बस। तो ये तो केवल समझाने के लिए था, आपकी तो केवल एग्जाम्पल है। सर्कल किसका हो गया, मिंट, यानी हुआ कैसे है कि जो मेन स्टेम है वो एरियल है, अबो द सरफेस है, और द सम पार्ट इज द अंडरग्राउंड, द ग्रो द हॉरिजॉन्टली एंड आफ्टर सम लेटरली बैंड एंड अबो द सरफेस एंड अबो द सरफेस, ठीक है। तो सर्कल का देखो, रनर का गार्डन ग्रास, राइजोम का जिंजर टर्मेरिक, और सर्कर्स का क्या हो गया मिंट, और ग्रो कैसे कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अगला देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सेट, क्या है ऑफ सेट। अब देखिए ऑफ सेट क्या होगा, इस ये होता है वाटर हाइजेंट, ये ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी वाटर हाइजेंट का, क्योंकि ये एक वीट वाटर वीट से ये, ठीक है, वहां से टैग किए। अब इसके आगे मैं स्टोरी भी बताऊंगी, लेकिन पहले देख लो ऑफसेट वाटर हाइजेंट, आईकॉर्निया, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है आईकॉर्निया, आईकॉर्निया बोलते हैं इसको, वैसे इसको वाटर हाइजेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, जो वाटर में होगा, ये मान लीजिए वाटर की सरफेस है, ठीक है, वाटर की जो सरफेस है, वाटर की सरफेस के ऊपर आपको इसकी ऐसे ऐसे जो लीव्स है वो दिखाई देगी, और अंदर की साइड में ऐसे ऐसे एडवेंशियस रूट बनी रहती है, ये रही ये इसकी रूट फॉर्म आ गई, और ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे स्टेम है वो लीव्स में मॉडिफाइड हो रहा है, यहाँ से काट करके दू, और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस टाइप से ही क्या करेगा ग्रो करेगा। तो बस आपको ध्यान रखना, ऑफसेट का एग्जांपल क्या हो गया आईकॉर्निया हो गया। फिर उसके बाद में और देखो, स्टेम का ही अगला है ट्यूबर पोटेटो, क्या है पोटेटो, जो पोटेटो है उस पोटेटो के ऊपर क्या लग जाती है, ऐसे बड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से ये एडवेंशियस पार्ट हो गया, ऐसे एडवेंशियस रूट बन गई, फिर यहाँ पे जो बड बनी है इस बड को अपन बोलते हैं आई बड, और ये जो आई बड है इसको यहाँ से कट करके मॉइस सोइल के अंदर ग्रो करवा देते हैं, तो अंडरग्राउंडली किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पोटेटो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पोटेटो की ये जो फॉर्म बनी है इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। तो पोटेटो के अंदर एडवेंशियस बड का फॉर्मेशन होता है, इन एडवेंशियस बड को आई बड बोलते हैं, इनको किसी भी नाइफ से कट करके मॉइस्ट सॉइल के अंदर ग्रो करवा देते हैं, वहाँ पे अच्छे से वाटरिंग करते जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे एक नया क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है, इसका लीव्स वाला पार्ट तो ऊपर रहेगा और स्टेम कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। तो पोटेटो का इडेबल पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है। चले कितने हो, देखो रनर हो गया, राइजोम हो गया, सकर, ऑफसेट और ट्यूबर। रनर का एग्जाम्पल गार्डन ग्रास, राइजोम का जिंजर एंड टर्मेरिक, सकर का मिंट, ऑफसेट वाटर हाइजेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ट्यूबर पोटेटो। चलिए नेक्स्ट अब
और एग्जांपल देखते हैं वेजिटेटिव के अंदर स्टेम अपन ने स्टार्ट कर रखा है, उसी की अपन और एग्जांपल देखते हैं। एक है बल्ब, बी यू एल बी बल्ब, ठीक है बल्ब है। उसके एग्जांपल देखिए क्या क्या होंगे, ओनियन क्या है तो स्टेम ही है, अपन स्टेम को ही फूड बल्ब ओनियन हो गया। फिर उसके बाद में एक आप ले लो गार्लिक, ये इसके एग्जांपल हो गए। अब इसमें क्या होता है कि जो बर्ड होगी, जो बर्ड्स हो बर्ड है ये किसकी फॉर्म में आ जाती है, बिल्कुल थिन लीव्स की फॉर्म में हमें दिखाई देती है, ऐसे है ना, ऐसे लीव्स की फॉर्म में हमें क्या है दिखाई देगी। बस तो आपको ध्यान दें बल्ब का एग्जांपल क्या है, ओनियन और गार्लिक। ओनियन और गार्लिक आपको सबको पता है इसके अंदर जो लीव्स लाइक फ्लेसी फॉर्म होती है, यानी फ्लेसी फॉर्म है, स्टेम की कौन सी फॉर्म होती है, फ्लेसी फॉर्म होती है। और ये भी अंडरग्राउंड है, कैसे होते हैं ये भी अंडरग्राउंड होते हैं। फिर ये खत्म हुए इसके एग्जाम्पल। अब उसके बाद में देखो एग्जाम्पल, अब एक है मैं पहले आपको बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई फ्लोवर है, यहाँ पे फ्लोवर बड आ गई, ठीक है इस बड को मैं क्या कर दूँ, फ्लोवर बड कर दूँ। अब ये जो फ्लोवर बड है ये फ्लोवर में तो मॉडिफाइड हुई नहीं, फ्लोवर तो ये बनाएगी नहीं, उससे पहले ही ये किसका काम करने लगती है, रिप्रोडक्शन का काम करने लगती है। फ्लोवर बनने से पहले ही जो फ्लोवर बड है वो रिप्रोडक्शन का काम करने लगती है। इस मॉडिफिकेशन को बुलबिल्स बोलते हैं, क्या नाम दोगे इसको, बुलबिल्स। द फ्लोवर बड मॉडिफाइड फॉर द रिप्रोडक्शन, द फ्लोवर बड मॉडिफाइड फॉर द रिप्रोडक्शन इज नोन एज द बुलबिल्स। एग्जाम्पल है अगेन, यानी कि बड तो बनी थी है ना, ये देखो बड टू टाइप की बनती है, एक तो लीव्स लगे यानी बड का फॉर्मेशन हुआ और बड के क्या लग जाए, लीव्स लग जाए। एक बड का फॉर्मेशन हो और वो किस में मॉडिफाइड हो जाए, फ्लोवर में मॉडिफाइड हो जाए, तो उसको फ्लोवर बड बोल देंगे, और जो लीव्स वाली है उसको लीव्स बड बोल देंगे। यहाँ पे ये जो बड फ्लोवर बड है ये फ्लोवर में मॉडिफाइड नहीं हो करके रिप्रोडक्शन करने लगती है, यानी नीचे गिरेगी, ये पहले ही कहाँ गिर गई, ऐसे सॉइल के अंदर गिर गई, और इसमें एडवेंशियस रूट वगैरह का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। एडवेंशियस रूट किसे बोलते हैं, रेडिकल को छोड़ करके प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट अराइज हो जाए, रेडिकल को छोड़ करके प्लांट की किसी भी पार्ट से रूट अराइज हो रही है तो आप उसको क्या नाम दो, एडवेंशियस रूट कह दो, या फिर प्लांट की किसी पार्ट से कोई नई फॉर्म बन रही है तो एडवेंशियस बड बोल दो, क्या बोल दो, एडवेंशियस बड। तो ये अपने आप में रिप्रोडक्टिव बड की जगह पे कह दो, जो फ्लोवर बड है वो एडवेंशियस बड में मॉडिफाइड हो गई, और एडवेंशियस जो बर्ड है फेवरेबल कंडीशन के अंदर सॉइल के अंदर फॉल होकर के एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है, तो फ्लोवर बर्ड हुई है, इसीलिए उस मॉडिफिकेशन को आप क्या बोलोगे, बुलबिल्स बोलोगे। मॉडिफिकेशन का क्या नाम होगा, बुलबिल्स होगा। और एग्जांपल देखिए, अब हम एग्जांपल करेंगे लीव्स का, किसका एग्जांपल करेंगे, लीव्स का एग्जांपल। लीव्स का एग्जांपल होता है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम हिंदी में बोलते हैं पत्थर चीटा। अब मेरी बात सुनिए, वैसे तो लीव्स के दो तीन एग्जांपल और हैं, बट मैं आपको केवल ब्रायोफाइलम ही करवा रही हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में ब्रायोफाइलम ही है। अब देखिए ब्रायोफाइलम है, ये लीव्स है ऐसे ना, थोड़ी थिक लीव्स होती है, ये ब्रोडेड होती है और थिक होती है। अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर एडवेंशियस बड का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे, देखो ये वाले, ये इसका मार्जिन आपको पता है ना, ये मार्जिन है लीव्स का, बीच में मिड रिब है, और मिड रिब से मार्जिन तक की जो लाइंस है, कनेक्टिंग जो फॉर्म है वो वेन है, और ये वाली फॉर्म क्या होती है, मार्जिन होती है। तो मार्जिन से एडवेंशियस बड का फॉर्मेशन हो जाता है, द एडवेंशियस बड अराइज फ्रॉम द मार्जिन,
देन आफ्टर द एडवेंसियस बर्ड डिटेच फ्रॉम द पेरेंटल पार्ट एंड फॉल इन द मॉइस सोयल टू फॉर्म ए न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीव्स यानी लीव्स किसका कन्वर्ट कर रही है रिप्रोडक्शन कर रही है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हुआ कि ब्रायोफाइलम के जो मार्जिन्स है वहां से न्यू लीव्स अराइज हुई तो मैंने कहा था ना कहीं और से लीव्स नया पार्ट अराइज हो रहा है तो आप उसके लिए हमेशा क्या टर्म लोगे एडवेंसियस टर्म ही यूज करोगे तो आप इसको एडवेंसियस बड बोल दो एडवेंसियस लीव्स बोल दो फिर यहाँ से ये डिटेच अलग होकर के कहाँ गिरेगी मॉइस्ट सोयल में गिरेगी और मॉइस्ट सोयल के अंदर ब्रायोफाइलम का एक नया क्या बन जाएगा प्लांट बन जाएगा आप जब इस प्लांट को देखोगे ना तो इस प्लांट की केवल आपको ऐसे ऐसे तो चारों तरफ ऐसे ऐसे बिखरी हुई लीव्स ही दिखाई देगी ऐसे ऐसे इसकी जो लीव्स होती है थिक होती है ठीक है थिक होती है ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है यहाँ तक क्लियर हो रूट का सीधा सा एग्जांपल ध्यान में रख लेना कोई ज़्यादा हैवी नहीं रूट का क्योंकि हमारी बुक के अंदर तो एग्जांपल दे नहीं रखा है तो फिर मैं ही लिखवा देती हूँ एक तो होता है डहलिया ठीक है स्वीट पोटेटो ठीक है स्टेम का और करना चाहो तो रोज भी होता है लेकिन बुक में तो है नहीं बट थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप स्टेम वाला लोगे रोज के अंदर तो साथ में क्या आनी चाहिए नोड आनी चाहिए ठीक है नोड किसके लिए चाहिए जहाँ से नई क्या बन सके लीव्स बन सके ब्रांचेस बन सके ये है नहीं एग्जाम्पल बस ऐसे नॉर्मली बता दिया तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया स्टेम लीव्स ये दो तो मेन है ही रूट का याद रख लेना बुक्स में हमारे है नहीं अब वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा ये रूट स्टेम लीव्स से होने वाला है इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं मैंने आपको एग्जांपल दे दिए अब एग्जाम में बाय द वे ऐसे पूछ ले कि बेनिफिट्स ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेनिफिट्स ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स क्या क्या है तो देख लीजिए बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं फर्स्ट न्यू प्लांट ग्रोवन इन लेजर टाइम नया जो प्लांट लगता है वो उसका कम समय में लगेगा अब जब प्लांट कम समय में लगा तो कम समय में फ्रूट और सीड्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे तो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑब्टेन इन लेजर टाइम सेकेंड ग्रोवन इन लेजर टाइम एंड लेस लेबर काम करने वालों की भी कम ही जरूरत होती है इस प्रोसेस के अंदर और ऐसी प्लांट की स्पीसीज जिसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता उनमें क्या करवाया जा सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा करके नई जनरेशन को ग्रो करवाया जा सकता है कि बाय द वे मान लो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से न्यू जनरेशन नहीं बन सकती हालांकि प्लांट में एसेक्शुअल और सेक्शुअल एसेक्शुअल तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो ही गया मोस्टली जो हायर प्लांट होते हैं उन सब में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही होता है बट कुछ ऐसे प्लांट जिनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता तो वहाँ पे क्या कर लिया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा लिया जाता है जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ रोज का जो पोटेटो का तो अपन मोस्टली देखते ही हैं पोटेटो का आई बर्ड हो तो उसे काट करके लगा दो तो कम समय में प्लांट बनेगा क्योंकि उसके है ना कम समय में बन जाएगा ज़्यादा इजिली से हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑब्टेन हो जाएगी और जो वर्कर काम करते हैं वो भी क्या है कम सेकंड बात ये रहेगी इसकी ये कि जो करैक्टर्स है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते रहेंगे यानी कि जैसे मान लो ये पोटेटो है इस पोटेटो के जो कैटेगरी है इससे बनने वाली जो न्यू जनरेशन होगी न्यू पोटेटो जो ग्रो करेंगे उनकी भी सेम कैटेगरी ही होगी यानी क्रैक्टर्स होते हो प्रिजर्व रहते हैं तो ये बात आप ध्यान में रखेगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जेनेटिक क्रैक्टर्स प्रिजर्व्ड होते हैं क्योंकि
उसी पार्ट के, उसी प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो ही तो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, जिसमें नए करेक्टर्स नहीं आते, वेरिएशन नहीं पाया जाता है, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो बेनिफिट ध्यान में रखिएगा, लेजर टाइम, लेस लेबर की जरूरत होती है, जो वेजिटेबल्स है फ्रूट से इजिली यानी जल्दी मिल जाते हैं, और जेनेटिक करेक्टर्स आर प्रिजर्व नॉट फाउंड इन वेरिएशन, है ना। अब हम बात करते हैं, हमारे लिए क्वेश्चंस बनता है कि एक कई बार एग्जाम में आ जाता है, मैंने आपको ऑफसेट के समय ये कहा था कि जो ऑफसेट है इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर हाइगेन, है ना। ये एग्जाम्पल क्या है, वाटर हाइगेन यानी एकॉर्निया, वाटर हाइगेन क्या एकॉर्निया, है ना। ये वाटर हाइगेन है क्या, वाटर हाइगेन या एकॉर्निया को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंकवाद बोला जाता है। क्यों, क्या भाई टेरर किसे कहते हैं, जो हमारे इंडिया के नहीं है, हमारी कंट्री के नहीं है, अदर कंट्री के होते हैं और हार्मफुल होते हैं, है ना, अदर कंट्री के हार्मफुल होते हैं उनको टेरर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एकॉर्निया है, वाटर हाइगेंट है, ये भी टेरर ऑफ बंगाल है, एक प्लांट यानी कि प्लांट है, ये वाटर प्लांट है, है ना। वाटर प्लांट होने के साथ साथ में इसको वाटर वीड्स भी बोलते हैं, और इसको एक कॉमन नेम दिया जाता है टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंकवाद। अब कैसे, मेरी बात बिल्कुल आराम से सुनिएगा। ये जो आइकॉर्निया है ये फॉरेनर कंट्री से लाया हुआ एक प्लांट है, फॉरेनर कंट्री से लाया हुआ एक प्लांट है। ये जो प्लांट है इसकी जो लीव्स है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, लीव्स काफ़ी ब्यूटीफुल है और थिक है, साथ साथ में इसके जो फ्लावर होते हैं वो नीले यानी ब्लू कलर के होते हैं, तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये बात मेरी मानिए, ये दिखने में कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो वाटर हाइगेंट आप किसे कहोगे, कि इसके जो फ्लावर होते हैं लीव्स मोटी होती है, इसके जो फ्लावर होते हैं वो नीले कलर के होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, है ना, ठीक है। इसके फ्लावर कैसे होते हैं, नीले कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या है, सुंदर है। अब और देखिए, अब ये इतना ज़्यादा सुंदर होने की वजह से इसे कहाँ लेके आया गया, बंगाल के अंदर वाटर में, यानी कि फॉरेन कंट्री से ला करके इस यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, ट्रांसड्यूस कर दिया गया। इस वाटर के अंदर इसके ब्यूटीफुल फ्लावर लग रहे थे, थिक इसकी थिक और फ्लेसी इसकी क्या थी, लीव्स थी, यानी सजावट के लिए लाया गया। लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि ये जो आइकॉर्निया है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वेरी हायर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस बाय द ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड अभी भी बताई थी मैंने, यहाँ से वाटर के अंदर, है ना, फिर यहाँ से ये निकल करके फिर ऐसे ऊपर आ गया, और फिर यहाँ पर इसकी ये लीव्स निकल गई, ये इसकी एडवेंस स्टूट चल गई, यहाँ से एक पार्ट फिर ऊपर आ गया, इस टाइप से धीरे इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत जाता है। तो धीरे धीरे करके ये पूरे उस वाटर सोर्स को इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया, कंप्लीट वाटर सोर्स को कवर करने की वजह से उस वाटर में प्रेजेंट जो न्यूट्रिशन थे उनको ऑब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस कर रहा था, ठीक है। फिर उसने पूरे वाटर को चारों तरफ से घेर लिया था इसने। अब वहाँ के जो इसके उस वाटर सोर्स में जो अदर एनिमल्स प्रेजेंट थे उनका ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना न्यूट्रिशन मिल रहा था, ना सनलाइट मिल रही थी, तो वहाँ उनकी डेथ हो गई। दूसरी कंडीशन ये कि इसमें ट्रांसपिरेशन मेथड बहुत ज़्यादा थी, वाटर को ऑब्जॉर्व किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, वाटर को ऑब्जॉर्व किया, इवेपोरेट कर दिया, तो धीरे धीरे वो वाटर जो सोर्स था वो खाली हो गया, यानी ये उसने पूरे वाटर को सोख लिया। अब वो एरिया वहाँ बिल्कुल क्या हो चुका था, ड्राई हो चुका था। तो मेरी बात सुनी, इसने क्या किया, बाहर से पानी वाटर के अंदर कोई अपन प्लांट लाएंगे,
वो प्लांट क्या कर रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पावर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अदर जो एनिमल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन वगैरह कमी हो जाएगी, तो उनकी डेथ हो गई, टेरर हुआ किन्वा। फिर उनकी डेथ होने के बाद में वहाँ का जो वाटर सोर्स था वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था, इसमें ट्रांसपीरेशन भी मेथड बहुत ज़्यादा थी, पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया जो वाटर था, तो वो ड्राई हो गया एरिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, ये बात आप ध्यान में रखोगे कि टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को बोलते हैं, आइकोर्निया या वाटर हाइजेंथ को बोलते हैं, जो एक वाटर वीड्स है। इट इज ए फॉरेनर वाटर प्लांट, हैज द मोर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पावर, एंड द लीव्स इज वेरी फ्लेशी एंड द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट फास्टली ग्रो इन द वाटर सोर्स एंड द वाटर इजली ट्रांसपीरेट बाय दिस प्लांट। आफ्टर द सम टाइम्स द वाटर सोर्स इज वेरी इम्पेटी यानी ड्राई एंड द अदर ऑर्गेनिज्म विल बी डाई, सो दिस इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन आपकी सारी समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपको आ गया होगा, यानी फॉरेनर से लाया हुआ प्लांट है, अपने यहाँ का नहीं है, तभी तो टेरर कहा है इसको। देखो मैंने आपकी क्लास के अंदर आज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, प्रोपिग्यूल्स होता है, फिर उसके टाइप्स मैंने आपको करवाए, टाइप्स के नाम और एग्जाम्पल इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है इसके अंदर। सेकेंड बात आपको ये ध्यान में रखनी, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है टेरर ऑफ बंगाल वाला, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो बनाना है ना, बनाना है, ये इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है ये भी एग्जाम्पल किसका है, राइजोम का ही एग्जाम्पल है भाई, आप ध्यान में रखना। आपने देखा होगा कई बार कि बिल्कुल जो सरफेस है ना, बिल्कुल जो सरफेस है वहाँ से ऐसे ऐसे एक बड़ निकलती है, ऐसे बड़ी से ऐसे लीव्स निकलेगी ऐसे इसकी, है ना, ऐसे ऐसे एक लीव्स निकलेगी ऐसे बड़ी सी। फिर जैसे ये ऊपर की तरफ ये बढ़ जाती जाएगी, ऊपर की तरफ नई लीव्स तो बनती जाएगी और नीचे वाले जो लीव्स हैं वो गिर करके नीचे बन जाए, ऐसे ऐसे सर्किल बन जाएंगे स्टेम के चारों तरफ, ऐसे लीव्स बने, लीव्स नीचे गिरेगी, लीव जैसे ही नीचे गिरेगी ऐसे सर्किल होते जाएंगे, है ना, ऐसे सर्किल होते जाएंगे और किसकी फॉर्म ले लेगी, स्टेम की फॉर्म ले लेगी। तो स्टेम जो लीव्स है ना वो स्टेम मॉडिफाइड है, ठीक है, स्टेम ही है इसका, और वो भी किस के एग्जाम्पल आ जाएगा, राइजोम का एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो टॉपिक करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज क्या क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। आज की क्लास हमारी इतनी थी, अगर देखिए आप रेगुलर स्टडी करते जाओगे तब तो फर्स्ट वाला चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर। तो आपको रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर जो वीडियो दिए जाते हैं उनको देखना है, ठीक है। अगर आप लोग एक्टिव रहोगे तभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट रहेगी, वरना बंद कर दी जाएगी, तो आप रेस्पॉन्स दोगे पढ़ने के बाद में। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। फिर उसके बाद में एक और कल मैंने आपको कुछ और बातें भी बताई, क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको दो। तो देखो अगर सेम साइज के आइसोगेमी, डिफरेंट साइज के एन आइसोगेमी है ना, आइसोगेमी सेम साइज के अगर गेम है, स्पोर अगर सेम साइज के आइसोगेमी, डिफरेंट साइज के एन आइसोगेमी और एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल है, तब आप उसे क्या कहोगे, ओगेमी, ठीक है। मोटाइल अगर स्पोर है तो जू स्पोर कहते हैं ये, और अगर नॉन मोटाइल है तो अप्लेनो स्पोर कहते हैं। अगर स्पोर क्या है, मोटाइल है, अगर स्पोर मोटाइल है तो आप क्या कहोगे, जू स्पोर कहोगे। अगर स्पोर क्या है, नॉन मोटाइल है, तब आप क्या कहोगे, अप्लेनो स्पोर बोलोगे, ठीक है। अगर स्पोर है ना, स्पोर एंडोजिनस होते हैं और एक्जोजिनस होते हैं, अगर स्पोर एक्जोजिनस है तब आप इसे क्या बोलोगे, कॉनेडिया बोलोगे,
क्या बोलोगे, अगर स्पोर एक्सोजीनियस हो तो क्या बोलोगे, कोनेडिया बोलोगे। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी थी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चों।